मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 11 के साथ बैठक की और बैठक के बाद जरूरी दिशा निर्देश दिए थे। उन दिशा निर्देशों को और विस्तार से समझेंगे। सीधे रुख करते हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ट्रेनिंग करा ले और यदि CO2 के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं तो उनकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कर ले, जिससे कि सेंसिटिव इक्विपमेंट में कहीं कोई किसी तरह की कठिनाई ना हो, कोई इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट ना हो, ये भी सुनिश्चित करा ले। अस्पताल की अन्य सुविधाएं भी तय मानक के अनुसार हो, यह सुनिश्चित किया जाए कि बाढ़ प्रभावित और जलमग्न इलाकों में राहत तुरंत पहुंचाई जाए और प्रभावित इलाकों में जो भी शरणालय हैं उनमें विशेष रूप से व्यवस्था करने के लिए खाद और बीज की व्यवस्था और अन्य सामग्री की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। अब तक कुल मिलाकर 359,000 लोगों के विरुद्ध नामजद FIR दर्ज की गई है। कुल 1,79,818 FIR दर्ज की गई है। 67,070 वाहन सीज किए गए हैं। 60,56,00,000 रुपया का चालान हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो है 785 FIR जो है इसी एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई है और फेक न्यूज के 2,173 मामले जो है दर्ज किए गए हैं। 10 अगस्त को कुल 12 मामले फेक न्यूज के आए थे, जिनमें ट्विटर के 7 और फेसबुक के 5 मामले आए हैं। आज की तारीख में 10,350 हॉटस्पॉट्स हैं, 1,105 थाना अंतर्गत 14,35,000 मकान हैं, 85,60,000 लोग इनमें निवासित हैं। इन एरियाज में कंटेनमेंट जोन में 41,490 लोग स्थापित हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के लिए 20,077 लोगों को जो है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा गया है। प्रदेश के हॉटस्पॉट वाली बस्तियों में जो जनसंख्या है उसके अनुरूप डोरस्टेप डिलीवरी अब 14,810 मिल्क डोरस्टेप डिलीवरी है, 16,195 फल सब्जी की डिलीवरी है, प्रोविजन स्टोर की और डिलीवरी लगभग 14,000 करीब है। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में 26 अब जो है सामुदायिक किचन स्थापित है और जो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ राजस्व विभाग अपना टोल फ्री नंबर चालू किए हुए हैं। जो रोडवेज है उसके द्वारा भी कल अच्छी संख्या में जो है लोग चले हैं, लगभग 6-6.5 लाख लोग कल रोडवेज से चले हैं। हमारा प्रयास रहे है कि जो भी जो है ट्रैवल करें वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ट्रैवल करें, उनकी जो है रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट्स पर और बस स्टेशन पर चेकिंग हो, ये निर्देश हमारी तरफ से दिया गया है। मैं चाहूंगा कि राहत आयुक्त अब अपना डिटेल उपलब्ध कराएं। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक के बाद जो जरूरी दिशा निर्देश दिए थे उसके मद्देनजर अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। लखनऊ कानपुर पर विशेष ध्यान, कोविड अस्पतालों में व्यवस्था और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, संक्रमण की चेन तोड़ने पर फोकस, ये अहम बातें निकलकर सामने आई हैं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आज। तो कोविड कंट्रोल को लेकर तमाम तरह के फैसले वक्त वक्त पर लिए जा रहे हैं, इसी कड़ी में आज भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं।